गो एनीवेयर, ये दो काफ़ी बड़े वर्ड्स हैं, बट महिंद्रा थार के लिए नहीं। क्यों? 12 मिनट्स में 12 ऑब्स्टिकल्स जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करे हैं थार के साथ में, वो आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकें। दैट्स वाई इस कम्प्लीट रॉ फुटेज को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। चार्ली, एक कॉपी। यस, एक राउंड और है, वो करके आ रहा हूँ। ठीक है, देन व्हेन यू आर बैक देन से कॉपी। या ग्रेट। सो एज रिव्यूज़ जो है वो आप लोगों ने देखे हैं, एंड यहाँ पर सारे ऑब्स्टिकल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप प्रॉपर एक बार वीडियो के फॉर्म में देख लेना। एंड बैकग्राउंड में जो है सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी मेरे साथ में है मेरे गाइड या सर आप बोल सकते हैं विक्रम जी, जो कि मुझे गाइड कर रहे हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स जो है मैं सर के साथ में क्रॉस करने वाला हूँ, एंड थार की कैपेबिलिटीज़ जो है वो अपन चेक करने वाले हैं। फर्स्ट ऑब्स्टिकल जो है आप लोगों ने देखा कि कितनी ईजीली मैंने जो है इसके अंदर क्रॉस करा, मेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड यहाँ पर इस केबिन के अंदर काफ़ी अच्छे से आराम से बैठे बैठे आप सारे ऑब्स्टिकल्स अच्छे से कैसे क्रॉस कर पाएंगे आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंडिंग तक देखिए, और थार अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो अभी यहाँ पर इस ऑब्स्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। Now hill descent control is activated. तो ये फायदा है हिल डिसेंट कंट्रोल का, जो कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा एंड आराम से गाड़ी जो खुद से उतर गई। Keep the steering straight. A little right. Perfect. So we have to take left away? Yes, left. So from there? Yes, articulation. Okay. ये वाला ऑब्स्टिकल मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था, बिकॉज थार जो है वो काफ़ी ईजीली वहाँ से निकलने वाली थी, आप लोग आगे देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 लो एंगेज करा, मैनुअल मोड में मैं यूज़ कर रहा था इस गाड़ी को, ये डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट था, तो उसको मैंने ड्राइव मोड में डाला। एंड सिर्फ क्रीप फंक्शन लो रेशो जो इसके अंदर दिया हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी काफ़ी आराम से निकल गई। अब जब ऊपर आ रही थी तब मेरे को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ा, अदरवाइज़ जो है आराम से क्रॉलिंग करते हुए गाड़ी वहाँ से निकल रही थी, और आगे जितने भी चैलेंजेस हैं उसको थार ने फेस करा। Hi, please say your command. Command not recognized. Please repeat. Command not recognized. Please repeat. Okay. Yes.
अब यहाँ पर जो ये कैमरा है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया इन रॉक्स की साइज़ को। जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी छोटे लग रहे हैं, बट उनके बीच में गैप्स थे और उनकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी थी। बट यहाँ पर जो थार है उसके लिए कोई बड़ी या छोटी या साइज़ के बीच में गैप होना वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। 4 लो में मैंने इस ऑब्स्टिकल को भी काफ़ी ईजीली क्रॉस करा। एक्चुअल में मेरे को हुड सामने आ रहा था तो कुछ दिख नहीं रहा था, दैट्स वाई वहाँ से जो गाइड है वो प्रॉपरली बता रहे थे कि आपको लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है। ये जो स्लैशी एरिया आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी थार का क्रॉलिंग फंक्शन वर्क कर रहा था। आपको थोड़ा सा भी एक्सलोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, 42:1 का रेशो है, टॉर्क आपको इतना बढ़िया मिलता रहता है। बट मैंने फिर भी फ़न के लिए या टेल आउट करने के लिए थोड़ा सा एक्सलोरेट करा एंड वो चीज़ मैं कर पाया कुछ इस टाइप से। ये ऑब्स्टिकल काउंटिंग के लिए ऑब्स्टिकल है बट थार के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अप्रोच एंगल 41.8 डिग्री का है, डिपार्चर एंगल 36.8 डिग्री का है, रैंप ओवर एंगल 27 डिग्री का है एंड ये काउंटिंग में हाफ भी यूज़ नहीं हुए इस ऑब्स्टिकल पे। बट जो नेक्स्ट वाला ऑब्स्टिकल है वो रियलिटी में मुझे भी काफ़ी चैलेंजिंग लगा।
ये भी कुछ पहले वाला ऑब्स्टिकल के जैसे ही था, बट यहाँ पर राइट साइड में थोड़े से बोल सकते हैं प्लांटेड थे या वीड्स जिनको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स वो थे, दैट्स ऑल। सिक्स फिफ्टी एम एम के वाटर वेडिंग कैपेसिटी के साथ आती है दी ऑल न्यू महिंद्रा थार। 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 18 inches के ऑल टेरेन टायर्स इसके अंदर दिए हुए हैं, और ये जो पानी था वो इसके लिए कुछ भी नहीं था। तो कंप्लीट करा मैंने ये राउंड, एंड साथ ही ये सारे ऑब्स्टिकल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो रॉ फुटेज में आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, आई बटन पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। एंड यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो गया मेरे साथ में, एक मीडिया पर्सन को फिर से इसके शॉट्स लेने थे, तो मुझे एक और चांस मिल गया उस पूरे सर्कल को वापस करने का, सर्कल्स इन द सेंस सिर्फ ये जो वाटर वाला था, तो वो मैंने कंप्लीट करा। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन पे मार्क करो। रेगुलर आप लोगों को कास्ट बाइक स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। एंड थार से जुड़ी हुई कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ मैसेज कर दो, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर विद इन 24 आवर के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ। Thank you so much.